नमस्कार दोस्तों, आज हम ये समझेंगे कि मान लीजिए लड़का एक लड़की के साथ रिलेशनशिप रखता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। मान लीजिए कि जैसे लड़के और लड़की में रिलेशन है कि वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या लड़का लड़की से मिलता है और उनके बीच में फिज़िकल रिलेशनशिप होता है और ये फिज़िकल रिलेशनशिप लड़के के लड़की को प्रॉमिस करने के बाद होता है कि वो उनसे शादी कर लेगा। तो इन सच ए केस एक लड़की क्या कर सकती है? दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसकी प्रॉब्लम्स जो है पहले की सोसाइटी से डिफरेंट है। पहले क्या होता था कि जो पेरेंट्स होते थे लड़का या लड़की के, वो एक दूसरे से मिलते थे और शादियों को एक दूसरे की फिक्स करा देते थे। बट आजकल ऐसा हो गया है कि लोग ज़्यादा इंडिपेंडेंट माइंडसेट के हो गए हैं। लड़का लड़की एक दूसरे से शादी से पहले मिल लेते हैं, अपनी पसंद से शादी करते हैं। तो ये जो सोसाइटी हमारी चेंज हुई है, इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, बस पहले की सोसाइटी में अपने टाइप की प्रॉब्लम्स थी, आज की सोसाइटी में अपने टाइप की प्रॉब्लम्स है। पहले की सोसाइटी में ये होता था कि घर वाले सताते थे, आज की डेट में लड़का और लड़की में आपस में प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादा। तो इसमें कोई सही या गलत हम उस मापदंड से नहीं देखेंगे, हम इसे प्योरली लीगल एंगल से देखेंगे कि मान लीजिए लड़का लड़की को एक फॉल्स प्रॉमिस करता है कि वो उसे शादी कर लेगा और उस फॉल्स प्रॉमिस के बेसिस पे शादी से पहले लड़के और लड़की के बीच में एक फिज़िकल रिलेशनशिप होता है। तो इस केस में जो लड़की है वो क्या कर सकती है? तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो फिज़िकल रिलेशनशिप होता है दो एडल्ट इंडिविजुअल्स में, वो अगर कंसेंटिंग है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ एब्सोल्युटली लीगल। मान लीजिए कि एक लड़का और लड़की मिलते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है एंड दे हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप अमंग्स देमसेल्व्स, उनके बीच में एक शारीरिक संबंध बनता है तो और बाद में वो शादी नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं कि लड़की लड़के के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है और या लड़का लड़की के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई केस बनता नहीं है क्योंकि एट द टाइम ऑफ हैविंग दैट फिजिकल रिलेशनशिप बोथ वेयर कंसेंटिंग टू इट। बट मान लीजिए किसी ने किसी को प्रॉमिस किया है, झूठा प्रॉमिस किया है, लड़का कहता है लड़की को कि मैं आपसे शादी करूँगा और लड़की उस बेसिस पे शी गेट्स इन्वॉल्व विद द गाय, वो लड़के के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो अपना जो उन्हें एक होप के साथ कि कल की डेट में शादी होगी, तो शी एंटर्स इनटू फिजिकल रिलेशनशिप। इन दिस केस आप इस बेसिक चीज़ को समझिए कि लड़की का जो कंसेंट है वो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए तब बना है जब लड़के ने उन्हें प्रॉमिस किया है कि ही विल मैरी हर। अगर मान लीजिए ये प्रॉमिस नहीं होता तो शायद देर वुड नॉट बी अ फिजिकल रिलेशनशिप। सो द बेसिक आइडिया इज कि ये जो कंसेंट पाया है लड़की का टू एंटर इनटू फिजिकल रिलेशनशिप, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्रॉड, ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉल्स प्रॉमिस। तो ये जो फॉल्स प्रॉमिस है जिस बेसिस पे उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप लिया है, इट इज़ सिमिलर टू नॉट हैविंग द कंसेंट ऑफ द गर्ल। मतलब कि लॉ इसको इस नज़र से देखती है कि लड़की का उस फिजिकल रिलेशनशिप के लिए कंसेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर उसे पता होता कि लड़का उससे शादी नहीं करेगा तो लड़की शायद फिजिकल रिलेशनशिप में एंटर नहीं होती। तो जो मूल तथ्य है, जो मेन चीज़ है इसमें, इसमें ये चीज़ देखनी है कि जो लड़का है उसने लड़की को एक प्रॉमिस करने का वादा किया था और लड़की जो है उस वादे को मानकर, सच्चा मान करके शी एंटर्ड इनटू फिजिकल रिलेशनशिप विद द गाय एंड द गाय डिड नॉट फुलफिल दैट प्रॉमिस एंड हैड अ फिजिकल इंटरकोर्स विद द गर्ल। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, व्हाट डज द कोर्ट लुक इनटू? कोर्ट इसमें ये देखती है, जो लड़की है उन्हें ये प्रूव करना होगा कि देर वॉज अ प्रॉमिस टू मैरी। देर वॉज अ प्रॉमिस टू मैरी, इसको कैसे प्रूव करेंगे? कोई लड़के की तरफ से लेटर हो या व्हाट्सएप मैसेजेस हो या SMS हो या किसी तरीके से लड़का उन्हें प्रॉमिस कर रहा हो, जिसका उनके पास कोई वॉइस रिकॉर्डिंग हो या किसी भी तरीके से कोई प्रूफ हो जिससे कि लड़की ये दिखा सकती है कि द बॉय जो जिन्होंने उनके साथ शारीरिक संबंध रखा है, ही हैड प्रॉमिस्ड हर दैट ही विल गेट मैरिड टू हर। और उस बेसिस पर, इसमें दोस्तों अगर मेडिकल लड़की करा लेती है कि
देर वॉज अक्सर क्या होता है कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम समवन हैज़ अ फिजिकल इंटरकोर्स विद द अदर पर्सन गेट्स प्रेगनेंट, ऐसा नहीं है. बट ऑफकोर्स यू नो इन सच केसेस इसी वजह से मेडिकल करा लेना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश दैट देर वॉज अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल. बट अगर आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस हो, जैसे लड़की अगर है उसके पास डायरेक्ट एविडेंस हो जहाँ पे लड़का एडमिट कर रहा है दैट ही हैड अ फिजिकल इंटरकोर्स विद द गर्ल, और उससे पहले वो अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है टू गेट मैरिड टू द गर्ल, या उससे कंसेंट कर रहा है दैट ही विल गेट मैरिड टू अ गर्ल, तो इन सच केसेस द गर्ल कैन ऑफकोर्स से दैट शी डिड नॉट हैव द कंसेंट, शी डिड नॉट गिव हर कंसेंट टू हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप विद द गाय. और इस केस में क्या होता है कि जो ऑफेंस होता है इट इज़ एन ऑफेंस ऑफ रेप, द कोर्ट कंसिडर्स इट टू बी एन ऑफेंस ऑफ रेप, बिकॉज इफ इट इज़ अ कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट, बट इफ इट इज़ अ नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी रेप. तो इन सच केसेस कोर्ट जो है इट विल चार्ज द गाय ऑफ एन ऑफेंस ऑफ रेप. और दोस्तों एक और चीज़ है जो कि बहुत ही मतलब विच वी नीड टू बी कंसर्न विद नाउ डे विच वी नीड टू बी कंसर्न विद नाउ डेज विच इज़ कि अब ये लॉ जो है वो लड़कियों के हित में बन तो गई है फॉर देयर वेलफेयर एंड फॉर देयर प्रोटेक्शन, बट अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि इस लॉ को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी किया जाता है. तो दोस्तों अगर एक लॉ को मिसयूज़ किया जाता है तो ऐसा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका जो इफ़ेक्ट है, जो उसका जो उसकी इंटेंशन थी उस लॉ के बनने की, वो इंटेंशन जजेस भी रियलाइज़ करते हैं कि उसे मिसयूज़ किया जा रहा है, उस लॉ की जो स्ट्रेंथ होती है उसे डाइल्यूट कर दिया जाता है ताकि उसका मिसयूज़ ना हो. फॉर एग्जांपल 498A विच डेल्ट विथ क्रुएल्टी, इट वाज इनिशियली उस ऑफेंस को नॉन बेलेबल कर दिया गया था, बट कोर्ट ने ये देखा कि लड़की जो वाइफ की साइड है वो उस प्रावधान को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी करते हैं. अगर लड़के और लड़की में शादी के बाद अनबन हो गई हस्बैंड वाइफ में तो सीधा 498A का ऑफेंस लगा देते थे जिससे कि हस्बैंड की जो फैमिली थी सबको उठा के ले आते थे. बट द कोर्ट रोज टू द ओकेजन उन्होंने देखा कि इस कानून का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, तो कोर्ट ने इस कानून को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया और बेल का जो प्रोसीजर है इसमें आसान कर दिया है. वैसे ही ये भी जो कानून है जिसमें कि लड़का और लड़की के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है, अगर लड़कियां विदाउट द गर्ल्स कंसेंट अगर इसको लड़कियां मिसयूज़ करती तो ऑफकोर्स इस कानून को भी डाइल्यूट कर दिया जाएगा, और जिस तरीके से इसकी सीरियसनेस जो है आज की डेट जो कोर्ट कंसिडर करती है, अगर इस कानून को मिसयूज़ किया जाए तो डेफिनेटली एट अ लेटर स्टेज हो सकता है कि इसकी जो इफेक्ट है या इसका जो जो फोर्स है उसको डाइल्यूट कर दिया जाए. तो जो भी कानून बनता है वो किसी के हित में, जिन लोगों के हित में बन रहा है, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी, वो जो पूरा क्लास है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि उस कानून को मिसयूज़ ना किया जाए, क्योंकि मिसयूज़ होगा तो जिनके हित में वो बना है इवेंचुअली उन्हीं का नुकसान होगा. तो विद दैट फ्रेंड्स वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगा, और अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियोस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जो लीगल इन्फॉर्मेशन जो है एक लीगली अवेयर कम्युनिटी बनाने के हित में जो हम शेयर करते हैं उससे अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि हमारे जो भी वीडियोस टाइम टू टाइम बनते हैं वो आपको नोटिफाई हों जब हम उसे अपलोड करते हैं. तो विद दैट आई टेक योर लीव फ्रेंड्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ एंड गुड बाय.